तालियां लाइफस्टाइल व्लॉग्स और नया व्लॉग, नई शुरुआत। हाय विराज। सो आज है 31 दिसंबर, सो न्यू ईयर ईव है। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये व्लॉग आपको न्यू ईयर के बाद ही मिलेगा। तो होप आपका नया साल अच्छा हो और मे यू अचीव व्हाट यू ऑल डिजायर एंड विश फॉर। और यस, न्यू ईयर ईव है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। तो वैसे तो हम लोग अकेले ही हैं यहाँ पे, अकेले क्या सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं मेरठ और सब लोग रेडी हैं, सामान वामान सब पैक है। और दीदी के यहाँ बेसिकली न्यू ईयर पार्टी है, तो सब लोग वहीं असेंबल हो रहे हैं। बॉनफायर वगैरह होगा, डांस पार्टी सब कुछ होगा। तो अभी आफ्टरनून का टाइम हो गया है, 2:30 होने वाला है। और बस हम लोग अभी निकल रहे हैं, क्योंकि हमें अभी जाना है कहीं और। पीके जी के कोई फ्रेंड है, उनके वहाँ जाना है पहले। तो पहले वहाँ जाएंगे, 1.5 घंटा लग जाएगा वहाँ पे। उसके बाद मेरठ निकलेंगे और मेरठ से भी कुछ कुछ सामान खरीदना है, तो वो सब लेके फिर पहुँचेंगे दीदी के घर। वहाँ पे सब लोग मिलेंगे। तो निकल चुके हैं हम लोग मेरठ के लिए, बट पहले पीके जी के फ्रेंड के आए। मैंने बताया था, एक्चुअली पीके जी के जो फ्रेंड हैं उन्होंने भागवत कराई थी, तो भागवत के बाद जो भंडारा होता है वो था आज। तो हमें यही लगा था कि 2-3 बजे से भंडारा है और उसमें होके एक बार और फिर निकल लेंगे मेरठ। बट अभी पीके जी ने उनसे बात करी है, तो वो सब प्रोग्राम वगैरह सब खत्म हो गया है वैसे तो। बट ये है कि पीके जी को मिलना था, तो इसलिए पीके जी विराज को लेके चले गए अंदर अपने फ्रेंड से मिलने। तो मैं कार में ही बैठी हूँ। तो भाई मैं तो गाड़ी में बैठी थी, ये दोनों गए थे, लेकिन इनका जो फ्रेंड है फिर वो भी आ गया नीचे, तो फिर मुझे भी जाना पड़ा कि मतलब जब यहाँ तक आए हो तो अंदर भी आओ। तो वैसे तो भंडारा वगैरह सब खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी हम प्रसाद खा के आए हैं। भंडारे का प्रसाद जरूर खाना चाहिए, तो हम तीनों ने खाया थोड़ा थोड़ा प्रसाद। उनके काफी रिश्तेदार वगैरह बैठे थे, तो हम ज्यादा देर तो नहीं बैठे। बट ये है कि हाँ, एक फॉर्मेलिटी हो गई मिलने वाली, और बस ये दुख रहेगा कि हाँ भंडारे में शामिल नहीं हो पाए। तो सदर मार्केट में घुस रहे हैं और ये दो ई रिक्शा का मजा लेते हैं। मेरठ की सदर मार्केट, विराज के न्यू शूज लाइट वाले, ये अभी। हेलो, हेलो, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स। बस अभी शुरू नहीं हुआ, अभी इट्स जस्ट 8 o'clock। पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये विराज के नए जूते जो हमने अभी अभी लेटेस्ट खरीदे हैं। विराज, 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 देखो, देखो, सी, सी,
न्यू शूज। अभी जस्ट 8:05 हुए हैं। How are you feeling? नए साल पे तुम्हारी क्या रेजोल्यूशन है? कोई रेजोल्यूशन नहीं है। सब कुछ सेम चल रहा है। रेजोल्यूशन इज टू लूज माय वेट एंड आई विल गो टू लर्न बैडमिंटन। ग्रेट। आपकी क्या उम्मीदें हैं नए साल में? अभी तो फिलहाल कोई उम्मीदें नहीं। क्या चाहती हूँ अब नए साल में क्या हो? अच्छा देखो क्या अच्छा हो समय बताएगा। मेरी बहुत उम्मीदें हैं नए साल से, बिकॉज ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है एंड मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छा बेटर मतलब बेटर परफॉर्म कर पाऊँ और कुछ नया सीखूँ अपनी लाइफ के नए फेज में मैं एंटर करूँगी तो वो अच्छा जाए। तुम्हारी क्या रेजोल्यूशन है नए साल पे? रेजोल्यूशन इज 1280 बाई 1080। अच्छा 4K का पूछ रहे क्या? 4K नए साल पे तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें बड़ी नेक है। वेट जितना बढ़ गया और बढ़ा। उम्मीदें बड़ी नेक है और नेक ही रहेगी। क्या है? नेक है क्या है? जो भी है नहीं बताओ। बता हाय भूषण क्या नए साल में? नए साल में क्या चाहो? एंजॉय और डबल दारू पीएंगे। डबल दारू पीएंगे आज तो पीए उससे भी ज्यादा। डबल डांस नहीं, डबल डांस तो करेंगे ही, हम अपनों का बना चाहेंगे। Yeah.
आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। 1 जनवरी हो चुका है, वैसे तो रात में भी मिली थी बट अभी 1 जनवरी की शाम के 5:30 का टाइम हो रहा है और गाड़ी में मुलाकात हो रही है आपसे क्योंकि मैं वापस जा रही हूँ नोएडा। और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, मज़ा आया बहुत। मॉर्निंग के 4 बजे हम लोग सोए तो बहुत देर तक डांस और ये सब चलता रहा। तो बहुत ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करे, मतलब खाने वगैरह के टाइम पे रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं हो पाई क्योंकि सब लोग बहुत लेट हो रहे थे, थक गए थे डांस कर करके। तो यस, मज़ा आया, अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ और आई होप आप लोगों का भी न्यू ईयर बहुत अच्छा रहा होगा। और बस गाड़ी में मैं और विराज बैठे हैं। ये है विराज। विराज हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर। ये सो बस पीके जी गोल मार्केट पे खड़ी हूँ मैं, तो वो समोसे लेने गए हैं क्योंकि उनको खाने थे कल, वो नहीं खा पाए थे तो अभी वापस नोएडा निकल रहे हैं तो बस गोल मार्केट से समोसे ले रहे हैं। और कुछ कुछ चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी, मैंने एक रज़ाई बनवाई थी तो मम्मी से बोल के बनवाई थी तो वो रज़ाई ले ली है मैंने। उसका कवर मैंने सनील वाला जो सॉफ्ट सा होता है ना वो कवर खरीदा, अभी घर जाके उसको चढ़ाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी मेरी फाइनल लुक रजाई की कैसी आई है। और कुछ एक चीज़ और लेनी थी, जैसे ये पिलो वगैरह लेने थे, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, पिलो लेने थे वो लिए हैं और भी कुछ कुछ सामान रखा हुआ है तो बस सब कुछ सामान ले लिया है। अब बस रवानगी है घर पहुँचने की और कल से विराज का स्कूल भी खुल रहा है। बस सुबह अगर कोई नोटिस आ गई डीएम की छुट्टियाँ एक्सटेंड होने की तो बात अलग है, अदरवाइज तो कल जाना है इसको स्कूल, मंडे है और बैक टू बेसिक्स स्टार्ट हो जाएगा कल से रूटीन। तो यस, यही रहा हमारा न्यू ईयर। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा न्यू ईयर वाला एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आपका 2023 वर्ष ऐसे ही जाए हंसते खेलते और जो भी आपकी ड्रीम्स हो डिज़ायर्स हो